हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है होटल्स लाइन के कुछ टिप्स और किचन्स और बेकरी के कुछ टिप्स, यानी कि जो हमें ज़रूरत होती है किसी भी लाइन में हम यूज़ कर रहे हो, चाहे किचन से रिलेटेड में हो चाहे होटल्स में हो, तो हम ये कुछ पॉइंटेड है जो हमें से पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे हम शूज़ पहनते हैं अपने प्रोफेशनल टाइम में, होटल्स लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में, किसी भी लाइन में हो, तो आपको ये पता है दोस्तों किचन के शूज़ होते हैं वो अलग होते हैं, बाकी जो फ्रंट ऑफिस हो जाए, सर्विस हो जाए, उस चीज़ के शूज़ अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैं आपको पहले रीज़न ये बताता हूँ। जो किचन के जो शूज़ होते हैं हमारे, वो काफ़ी हैवी तौर पर होते हैं, काफ़ी मोटे तौर पर होते हैं। वो इसलिए ऐसे होते हैं क्योंकि जब हम किचन में काम करते होते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे पैरों पर गिर सकती है, क्योंकि जो हम इक्विपमेंट का काम करते हैं काफ़ी, जो होटल्स लाइन में हो जाए तो हमारे जो प्रोडक्ट होता है काफ़ी हैवी तौर पे होता है, चाहे अपना मशीन मान लो, चाहे भी कोई भी अपना इक्विपमेंट वगैरह मान लो जो हम किचन में यूज़ करते हैं, पॉट वगैरह जो भी आप बोलना चाहे, तो उस चीज़ के जो हमारे जो शूज़ होते हैं वो मोटे होते हैं, और जो बाकी तौर पे होते हैं चाहे फ्रंट ऑफिस हो जाए, सर्विस हो जाए, उनके जो शूज़ होते हैं वो प्रोफेशनली तौर पे होते हैं, और जो हमारे किचन के शूज़ होते हैं वो प्रोफेशनल तौर पे हैवी शूज़ होते हैं, जो कि अगर हमारे पैरों में कोई भी प्रोडक्ट ना गिर जाए इक्विपमेंट से रिलेटेड में, प्रोडक्ट के रिलेटेड में, तो इसलिए इस चीज़ को अलग होता है। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि पूछा गया था कि ब्रेड को पकने के बाद वह मोटी क्यों हो जाती है, यानी कि जो ऊपर का जो क्रस्ट कलर है वो मोटा क्यों हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो हमारी जो हीट पे रिलेटेड होता है, चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे ब्रेड बना ले, मफिन्स बना ले, कुकीज़ वगैरह बना ले, तो उस चीज़ के लिए आपको बताइए, जो हीट पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो हार्डनेस स्टार्ट हो जाता है। जब भी कोई ब्रेड हीटिंग तौर पर जाती है वह क्रस्ट कलर में आ जाती है, यानी कि उसका जो साइज़ होता है ऊपर से वो हैवी होता है, मोटा होता है, थिक होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बेकिंग में डालते हैं ब्रेड के लिए, तो सबसे पहले जो साइड पार्ट होता है उस चीज़ को पकाना शुरू करती है। अगर हमारी ब्रेड में चाहे मोल्ड डाल दो, कोई भी अपना प्रोडक्ट डाल दो, तो पहले जो प्रोडक्ट का मोल्ड होता है वो गर्म होता है, उसके गर्म होने से अंदर की जो ब्रेड का जो होता है, यानी कि जो भी साइड पार्ट होगा, ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो भी पकना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो हमारी जो ब्रेड है उसमें जो मोटापन है वो आ जाता है, जो आपको साइड से जो क्रस्ट कलर दिखता है, क्रस्ट जो ब्रेड होती है वो अंदर से सॉफ्ट होती है, लेकिन जो बाहर की जो उसकी स्किन होती है वो हार्ड होती है। अब एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप चाहे आपने मार्केट में देखा हो कि काफ़ी तौर पर जो ब्रेड होती है वो सॉफ्ट होती है, चाहे वो अंदर से मान लो, बाहर से मान लो, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, और जो बाकी जो ब्रेड होती है वो अंदर से हार्ड होती है, यानी कि जो ऊपर से जो अगर हम चाहे नॉर्मल अगर बेकरी में हम काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो साइड का जो पार्ट होता है वो काफ़ी क्रस्ट कलर में होता है, हैवी होता है, यानी कि थिक होता है, मोटा होता है। तो इस चीज़ का दोस्तों एक ही उपाय है, अगर आप ब्रेडों को फटाफट से उसमें जैसे कि पैकिंग होने के बाद उस चीज़ को डिमोल्ड कर दो और एक साथ रख दो, तो इससे ये होगा कि जो ब्रेड में जो उसकी जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहेगी, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो दोस्तों बाहर नहीं जाता है। बाहर जाने से ये होता है कि जैसे अगर मॉइस्चर अगर हवा में उड़ जाता है, तो इससे ये होगा कि जो ब्रेड की जो ऊपर की जो क्रस्ट कलर है उसमें हवा लगती है तो सूखनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए उसमें अगर आप उसको मोल्ड से निकालने के बाद एक साथ इकट्ठा कर दो, हल्का सा गैप जरूर छोड़ना, क्योंकि एक ब्रेड के बीच में दूसरी ब्रेड के एक थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो पानी छोड़ देगा दोस्तों, जो आपकी ब्रेड होगी मॉइस्चर आ जाएगा एकदम से। जो भी आप सामान निकालते हो बेकिंग से, तो आपको पता ही है कोई भी अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं बेकिंग से तो उसमें हीट आती है, हीट आने से ये होता है जो उसमें जो इसके अंदर पकड़ा होता है, जो धुआं होता है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो वो सब चीज़ें हवा में जा रही होती है। तो अगर आप चाहते हो कि उस चीज़ को रोकने के लिए, तो उस चीज़ में हल्का सा गैप छोड़ देना, और उसमें चाहे तो आप ऑयल लगा देना, उसको एक तरह से कवर कर देना, जिससे कि उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे, उसका जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं जाए। उससे ये होगा कि जो आपकी जो ब्रेड है वो भी सॉफ्ट रहेगी, चाहे अंदर से हो जाए बाहर से हो जाए, उसकी जो थिकनेस है वो भी सॉफ्ट हो सकती है। दोस्तों लास्ट और छोटा सा पॉइंट जो कि किचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त पे अगर हमारा हाथ जल जाए या फिर बॉडी में कोई भी पार्ट जल गया होता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम एग का यूज़ करते हैं। दोस्तों एग का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि एग बहुत जल्दी कुक होता है और वो अपने अंदर जो हीट होती है उसको अब्सॉर्ब करने की शक्ति उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर कोई भी अगर हमारा हाथ जल जाए या बॉडी का कोई भी पार्ट जल रहा होता है या जल गया होता है, तो उस चीज़ में हम एग लगाते हैं, यानी कि अंडे का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसके जो जलने का जो स्तर होता है कम होता है, वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो जलने से हमारे जो हाथ फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों उस चीज़ को रोकने का काम भी एग करता है। और उसके बाद आप कोई भी अपने दवाई वगैरह लगाना चाहे, क्रीम वगैरह, तो वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने आपको तीन छोटी सी नॉलेज बताई, पहले आपको शूज़ के बारे में, दूसरा जो ब्रेड की परत कैसी मोटी हो जाती है पकने के बाद, और तीसरा हमारे एग के बारे में कि हम बॉडी पे जलने के बाद हम एग क्यों यूज़ करते हैं। सो आपको एक अच्छी सी नॉलेज जो मैंने आपको दी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नॉलेज में। जय हिंद।